स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है घोषणा पत्र की कवायद। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की खासी अहमियत है होती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत में उनके जन घोषणा पत्र की भी अहम भूमिका रही है। इसलिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाकर जनता से उनकी राय लेने की कवायद शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट और इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे। इस बार बीजेपी भी चुनावी घोषणा पत्र को लेकर संजीदगी दिखा रही है। बीजेपी ने घोषणा पत्र निर्माण के लिए सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में समिति बनाई है। यह समिति प्रदेश के सभी जिले और ब्लॉक स्तर पर जनता की राय शुमारी के लिए पेटियां लगाकर लिखित में सुझाव पत्र ले रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि अब तक हजारों सुझाव इन पेटियों के माध्यम से बीजेपी घोषणा पत्र समिति को मिले हैं। इनमें से अहम सुझावों और मांगों को बीजेपी की चुनावी घोषणा यानी संकल्प पत्र में शामिल करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाई है, जिसमें करीब आधा दर्जन मंत्री समेत 23 वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल है। कांग्रेस भी चुनाव घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव ले रहे हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लिखित में सुझाव दे सकते हैं। लोग ईमेल कर भी सुझाव दे सकते हैं। ईमेल cgpccryp.2018@gmail.com पर सुझाव भेज सकते हैं। कांग्रेस इस बार बीजेपी की तरह सुझाव के लिए पेटी नहीं लगा रही है। लोग 31 अगस्त तक अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद घोषणा पत्र समिति की बैठक में सभी सुझावों की समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आम जन और अलग अलग वर्गों के साथ चर्चा करेंगे। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा, ईमेल के माध्यम से 500 से अधिक सुझाव आ चुके हैं। फोन, व्हाट्सएप और पीसीसी कार्यालय में सुझाव मिले हैं। बैठक में जनता से मिले सभी सुझावों को लेकर चर्चा हुई। आवश्यकता अनुसार संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर पर समिति के सदस्यों की टीम बनाकर सुझाव के लिए भेजा जाएगा। इस बार कांग्रेस द्वारा सीधे जनता के बीच नहीं जाने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है कि पिछले घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं कर पाने की वजह से कांग्रेस जनता के बीच जाने की स्थिति नहीं है। वहीं बीजेपी की घोषणा पत्र जनता के लिए मील का पत्थर साबित होने का दावा कर रही है। देखिए कांग्रेस हर जगह बैकफुट पे है, पीछे हट चुकी है और मैं कहता हूँ कि अब ये 36 वादे जो इन्होंने पूरे मंगाए थे, लोगों के पीछे जाकर लिए थे, उसमें से 12 भी पूरे ठीक से नहीं हुए, 12 को छुआ भी नहीं, 12 पर विचार कर रहे हैं तो वह एक तिहाई भी ये पूरे नहीं कर पाए, तो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे? जनता इनका निश्चित रूप से अब विश्वास करना बंद कर दी है। बहरहाल भाजपा का दावा है कि बीजेपी सत्य आधारित विकास मूलक घोषणा पत्र तैयार करेगी। हर वर्ग के लोग, हर प्रकार के लोग, उनके जीवन स्तर और उनकी जरूरतें सभी पर ध्यान केंद्रित है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि उनके जन घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखना होगा कि किसका घोषणा पत्र जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बीजेपी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं, नितिन भंसाली जी के पास। नितिन जी, बीजेपी कह रही है आपकी घोषणा पत्र, जो कांग्रेस की घोषणा पत्र प्रक्रिया को लेकर, कि जो कांग्रेस है किस मुंह से जाएगी जनता के बीच? हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 2018 के चुनाव में जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था और उस जन घोषणा पत्र के आधार पर जो 36 वादे हमने किए थे, वो 34 वादे हम पूरे कर चुके हैं, जिसकी अगर आप बिंदुवार कहेंगे तो 34 वादे जो हमने पूरे किए उसकी जानकारी में लाया हूं। दो वादे जो पूरे नहीं किए उसकी भी जानकारी मेरे पास है, आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। ये तो भाजपा को ये सोचना चाहिए कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। ये जो नकल कर रहे हैं, ये हमारी कॉपी कर रहे हैं। पिछली बार हमने इसी प्रकार जनता से राय लेकर हमने घोषणा पत्र बनाया था और अभी हाल में मैं ये बाइट सुन रहा था, इनके कोई भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि हजारों सुझाव हमको आए हैं, तो इतने महीनों से ये पेटियां लेकर घूम रहे हैं और प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता में से हजारों सुझाव आए हैं, मतलब आप सोच लोगे लोग इनको
सुझाव देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि जनता ने 2003 से 2013 तक के इनका कार्यकाल देखा है कि किस प्रकार इन्होंने वादा खिलाफी की प्रदेश के किसानों से, प्रदेश के बेरोजगारों से, बीजेपी जो नितिन जी बीजेपी वादा खिलाफी का जो आरोप है वो जनता इन्हें भली भांति जान चुकी। नितिन जी बीजेपी जो है वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस पर लगा दी है, इसीलिए बोल रही है कि किस मुंह से आप लोग जनता के बीच जाएंगे, जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो तो वादे पूरे किए नहीं। बीजेपी के बोलने से क्या होता है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, चेहरा विहीन है और बिना दूल्हे की बारात है। मैं तो कागज लेके बैठा हूँ, एक एक पॉइंट पे चर्चा कर राजीव जी, बीजेपी मुद्दा विहीन है, चेहरा विहीन है, बिना दूल्हे की पार्टी है, जनता के राजीव जी बिना दूल्हे की पार्टी है, चेहरा विहीन है, मुद्दा विहीन है, बिना दूल्हे की बारात है, माफ कीजिएगा, बिना दूल्हे की बारात है, माफ कीजिएगा। तो आपकी अनुमति जी जी हाँ हाँ, मैं आप नितिन जी से बोलिएगा कि बीच में टोकिएगा नितिन जी, नहीं तो मैं जी, फिर वो मैं बोल देती हूँ, समय का पहले अभाव होता है, सुचिता रहती है, पहले सरेंडर कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है कविता, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कहीं आप लोग अदर डिबेट में बैठे होंगे और आपने इंटरप्ट किया हो, शायद उनको याद आ गया राजीव जी को। जी 36 वादे किए थे जी 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 36 वादे थे, उस 36 वादे में वो झूठ का पुलिंदा, झूठ का थैला और झुनझुना साबित हुआ। सबसे बड़ा जो इनका वादा था शराबबंदी का, आज तक वो खेल खेल रहे हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, हमें देखना है, हमें देखना होगा। अच्छा राजीव जी, मैं इंटरप्ट कर सकती हूं, समय बीत गया और छत्तीसगढ़ को इन्होंने शराबगढ़ में तब्दील कर दिया, छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराधगढ़ में तब्दील, मैं इंटरप्ट कर सकती हूं, इन्होंने कहा था, कविता जी सुन लीजिए, अभी मैं शुरू हुआ हूं जी जी, मैं इंटरप्ट कर सकती हूँ थोड़ा सा जी, बोलिए जी। शराब का जो आपने मामला उठाया है ये तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है ना कि नहीं हुआ है, क्यों नितिन जी स्वीकार कर रहे हैं आप? 36 में से जो आपने 34 हम उस पर काम कर रहे हैं, देखिए काम कर रही है, खुद ही स्वीकार कर रही है, स्वीकार कर रही है, झूठ बोलते हैं ये तो यूं ही स्वीकार कर रही है, तो ये तो ऐसे बता दीजिए इसे, ये तो खुद ही कांग्रेस स्वीकार कर रही है, जागीरदारी है, प्रक्रिया झूठ बोल दो, सर आपको हटा दीजिए, स्वीकार कर ली कांग्रेस समझते हैं जी, आगे बोलिए, सरकार नहीं है तो बर्खास्त कर दो सरकार को। राजीव जी एक और है, प्रजातंत्र का माहौल रोने वाली लोग, नितिन जी रुक जाइए, कांग्रेस नितिन जी खानदान की पार्टी है, ये क्या समझती है कि हम राजा हैं और जनता को बेवकूफ बनाएंगे? तो कविता जी सुनिए, शराबबंदी का वादा था झूठ साबित हुआ, इन्होंने नगर निगम में कहा था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स आधा करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स में चक्रवृद्धि ब्याज महावृद्धि ब्याज, जो जिस घर का 2000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का उसको 16000 रुपए, और जो कोविड काल में नहीं पटा उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया। जनता पूछती कहां है कांग्रेस के लोग, तो ये मुंह छिपा रहे, इनके नेताओं को किस मुंह से जनता के पास जाएंगे, ये हालत है कविता जी, जी कि इनके पास जवाब नहीं है, बीजेपी बोल रही है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, रेडीडेट की बात हो, शराबबंदी की बात हो, किसानों के साथ बात हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी छल साबित की है, झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। राजीव जी बीजेपी बोल रही है, आप भी बोल रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं है, मुंह छिपा रहे हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल तो खुलकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं युवाओं से, खुद प्रदेश के मुखिया तो कहां मुंह छिपा रहे हैं। हाँ वो देखिए बड़ा नाट्य प्रहसन है, बड़ा नाट्य प्रहसन है, लोग जो कोई बच्ची अगर पूछती है, प्रश्न पूछती है तो ये वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा, ए लड़की चुप हो जा, इनका माइक बंद करो, ये तो ये क्या होता है, आपने छत्तीसगढ़ में नाचा गम्मत एक सांस्कृतिक प्रहसन होता है, तो सरकार के लोगों को, सरकार के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिखा के पढ़ाकर पूछा जाता है, और उसमें पुलिस के दवा जवान माइक को पकड़ के रखते हैं सादे वर्दी में, किसी ने अगर प्रश्न पूछ लिया शराबबंदी क्यों नहीं है तो पुलिस के लोग घसीट कर ले जाते हैं, किसी जनता की हिम्मत नहीं है कि भेंट मुलाकात में चला जाए। हाँ ये सेट मुलाकात है और ये सेट मुलाकात साबित अच्छा, हो चुका तो जी, इसीलिए किसी भी फ्लॉप शो साबित हुआ, और ये आज जो आज मुद्दा है कविता जी सुन लीजिए, कविता जी अरे बीजेपी नहीं कह रही है, जनता कह रही है,
हमको जनता से फीडबैक मिला है कि लोगों को बहला फुसलाकर जो इनके सरकारी काम बता दिए। अरे कोई साबित नहीं, कविता जी आपका वर्जन होगा। आप सोशल मीडिया में देखिएगा कि कोई लड़की अगर बोलती है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, पुलिस ने FIR नहीं किया, तो इनके माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं माइक को बंद कर। ये बिल्कुल भी नहीं है, में तैर रही ये एडिट करने में मास्टर है। ये तमाम कितने लोगों की टीम को बुलाया है छत्तीसगढ़ में, वो शाह जी ने, वो अमित भाई शाह, वो मोटा भाई ने यहाँ पे एक टीम बैठाई है छत्तीसगढ़ में 100-200 लड़कों की, यहाँ पर बैठ के यही धंधा कर रही है। उसी वीडियो को कैसे काटना, कहाँ पे लगाना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास शक्ति नहीं है भाई जनता से मिले। हमारा 15 वर्ष में राजीव जी जो राजीव जी रुक जाइए। राजीव जी क्यों ऐसा लगता है बीजेपी को कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा? क्योंकि जो हमने 15 साल जो हमने जनता के सहयोग से शासन किया था, हमको मालूम है लोगों को क्या चाहिए। लोगों को पानी चाहिए साफ, लोगों को नाली चाहिए, लोगों को साफ सुथरी सड़कें चाहिए, लोगों को कानून व्यवस्था चाहिए। आज अगर आप देखेंगे कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है, अपराधियों का दंड, अपराधियों का दंड हो गया। अच्छा काम नितिन जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, देखिए मेरा समय नितिन जी, सवाल आपसे नहीं है, सुन लो। और मैडम जी, राजीव जी आप बोलिए, नीतीश जी प्लीज आप शांत रहेगा, रिक्वेस्ट है आपसे। झूठ क्यों बोल रहे हैं नीतीश जी, प्लीज समय का ताली अभाव रहता है, रिक्वेस्ट नीतीश जी। चलिए राजीव जी, जी आप चाय पीते हुए सुनिए राजीव जी को। हमारे जन घोषणा पत्र में हमको मालूम है महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बेच दिया, थाने बिक रहे हैं 10-10 लाख में, 15-15 लाख में, कि आप अपराध करो, उगाही करो। हम थाने के लोग मंत्रिमंडल में पैसा पहुंचाते हैं और पूरा अपराध का गढ़ बन गया। लालू यादव के समर्थक है और लालू यादव ने जिस प्रकार अपराध का गढ़ बनाया, लालू यादव को बिहार में बसाइए, भारतीय जनता पार्टी को मन छत्तीसगढ़ में बिहार में बसाइए। उसी मॉडल पे कविता जी, उसी मॉडल पे चला रहे हैं छत्तीसगढ़ को उस मॉडल पे हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राम तिवारी जी किस तरह से देखते हैं दोनों घोषणा पत्र, शांत हो जाइए। राजीव जी आप भी चाय पीजिए। जी राम तिवारी जी, किस तरह से देखते हैं दोनों के घोषणा पत्र को? कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं। जी जी, घोषणा पत्र जो है किसी भी सरकार का, जो बनने वाली सरकार है या पार्टी का जी, चुनाव में वो एक आईना होता है, रोडमैप होता है कि हम जो है सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे, किसानों के लिए ये काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, शहर में काम करेंगे, गांव में काम करेंगे, सड़क पे, स्वास्थ्य पे। तो एक घोषणा पत्र रोडमैप है, तो रोडमैप दोनों पार्टी बना रही हैं, उसके आधार पर ही जनता के पास जा पाएंगे और जनता को ये बता पाएंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं। वास्तविक में लोकतंत्र में जनता को वादा करने का समय है जी, एक बेहतर वादा करें जिससे छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा में और सुधार आ जाए। वास्तविक में जैसे धान खरीदी सरकार ने की, उससे जो किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, ये देश भर के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें बोल रहे हैं गरीबी कम हुई है। तो योजनाओं का मतलब ये होता है कि सरकार जो है योजना लाके समाज में परिवर्तन लाए जी। तो समाज में परिवर्तन, ठोस परिवर्तन, आप सड़क बनाकर निर्माण करके कोई आप ठोस तरीके से समाज का निर्माण नहीं कर सकते। समाज के निर्माण के लिए संस्कृति, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, इस पर अगर ध्यान दी सरकार, और गरीब है जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन कैसे लाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। संस्कृति में अपराध का गढ़ भी है तिवारी जी। राजीव जी, वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं, अभी तो रुक जाइए प्लीज, गहन चिंतन मनन करके
जिस तरह से बनाना चाहिए उस दिशा में अगर काम करें तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आप 4.5 साल करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वास्तविक में देखेंगे तो घोषणा पत्र का पूरी तरह से पालन तो दोनों पार्टी ने ही की है, परंतु भविष्य में अब घोषणा पत्र को पालन किस तरह करेंगे और कैसे प्लान लाते हैं हर वर्ग के लिए, ये आगामी समय देखने के लायक रहेगा। और अभी अगर समाज के सभी वर्गों से राय ली जाए तो निचले स्तर तक जाके उनकी बात सुनी जाए, उनसे कही जाए और देश आर्थिक स्थिति देखा जाए, ऐसा ना हो कि लुभावने घोषणा पत्र करें बाद में आर्थिक स्थिति वैसी है ही नहीं, छूट देने और रेवड़ी बांटने की जो प्रक्रिया है उससे बचते हुए अच्छी योजना कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में अगर घोषणा पत्र में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है नितिन जी कहिए। देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कविता जी, बात पूरी होगी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कविता जी, आपने बीच में तीन सवाल मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए आप एक काम करो कविता, आप इनको बैठा लो आपकी जगह पे, यही एंकरिंग भी कर ले और यही जवाब दे। नितिन जी जल्दी से, नितिन जी समय का अभाव रहता है पहले ही। नहीं नहीं क्या जी जी नितिन जी देखिए हमने मैं बता चुका हूँ कि हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और काम जो है वो दिख रहा है, दिख रहा है भाई। नीति आयोग किसका है? नीति आयोग किसका? नीति आयोग किसका है? हाँ नीति आयोग की रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये चार साल में आपकी सरकार ने गंदा करो, शराब बेचो, बोतल पीना, उससे आर्थिक स्थिति ठुकनी हुई है। अगर अच्छा राजू जी दोनों बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? आपके पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे होंगे आपस में? आप लोग प्लीज थोड़ा सा प्लीज राजू जी, नितिन जी आएंगे ना आपके पास, नितिन जी बोलिए। तो मैंने कहा नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कविता। अरे तो नीति आयोग का केवल आपने बनाया क्या? केंद्र सरकार ने पैसा दिया अच्छा, नितिन जी बोल देने दीजिए, जो बनाया नितिन जी आवास योजना और एमएसपी बाहर निकल गया। राजीव जी क्या कर रहे हैं सुन लीजिए या बोल लीजिए? नितिन जी इन्हीं के पास आ जाते हैं पहले। नितिन जी चलिए राजीव जी आप बोलते नहीं ना, अपने पक्ष में भी बोलेंगे, मेरे टाइम भी बोलेंगे और बीच में तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है। डिबेट है, डिबेट कांग्रेस पार्टी दोनों से रिक्वेस्ट है डिबेट को डिबेट की तरह रखे प्लीज। आप बोलेंगे राजू जी तो आप बोलिए, नितिन जी को भी मेरी जब बोलने की बारी थी लगातार उन्होंने बोलने नहीं दी। मुद्दा है, मुद्दा को आप लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता डिबेट कि आप मुझसे प्रति प्रश्न पूछे वो मेरी बारी में भी प्रश्न पूछे, बच्चों जैसे लड़ाई कर नहीं होता, भाषण करवा लीजिए। राजू जी आप बोल दीजिए, अब नितिन जी बड़ापन दिखा दीजिए आप। राजू जी बोल लीजिए प्लीज, बोल लीजिए आसानी से। अब देखिएगा जैसे मैं बोलूंगा मुझे बोलने नहीं। नितिन जी रुक जाइए, इन्हीं से बोल लीजिए। राजू जी बोल लीजिए। नितिन जी ये कह रहा था जी कविता जी, रुक गया हाँ कविता जी, जो नीति आयोग की बात हो रही है, नीति आयोग में 9 साल तक लगातार केंद्र सरकार ने दीर्घकालीन और लघुकालीन जो योजनाएं चलाई उसकी वजह से किसानों की समृद्धि हुई, जो बेरोजगार बच्चे थे वो दीनदयाल योजना के तहत प्रशिक्षित हुए और अपना स्वरोजगार खड़ा किए। और नीति आयोग में भूपेंद्र बघेल जी ने छत्तीसगढ़ से जितने पैसा लेना था उन्होंने सेवन से बनाया। तो ये नीति आयोग अगर हुआ तो केंद्र सरकार की दीर्घकालीन योजना से छत्तीसगढ़ को इन्होंने शराब का गढ़ और अपराध का गढ़ बनाया है। नितिन जी प्लीज सुन लीजिए, पहले बात हो चुकी ना, अब बोलिए। राजू जी प्लीज आप बिल्कुल शांत रहिएगा। चलिए नितिन जी जी कविता जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लघुकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं चलाई, किसानों की दशा दिशा बदली, जो चुक नितिन जी जल्दी अच्छा बोलिए नितिन जी, नितिन जी बोल दीजिए प्लीज। डिबेट को डिबेट की तरह रखिए प्लीज। छत्तीसगढ़ के मॉडल की, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की पूरे देश में आप देख लीजिए कविता, कहीं पे भी धान का जो मूल्य किसानों को मिल रहा है वो किसी राज्य में नहीं मिल रहा है, वहां की उपजाऊ फसलों का भी नहीं मिल रहा है, जो छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान का समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं, केवल 700 रुपए दे रहे हैं, पूरा धान सरकार खरीद रहा है। यहाँ पर एमएसपी प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी हो रही है,
तो यहाँ पर जो है ये छत्तीसगढ़ आर्थिक स्थिति में जो है काफी मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। यहाँ के मॉडल की चर्चा अन्य प्रदेशों में भी हो रही है और यहाँ की योजना को इनके भारतीय जनता पार्टी के कई शासन के जो यूरिया की कमी है, घटिया खाद, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वहां पर लागू होने की भी बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी आरएसएस है पर इनको महाभ्रष्टाचार की सरकार है। यूरिया नीति आयोग के मामले में मैंने इतनी अच्छी बात बोली, कौन सी आयोग, नीति आयोग में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, हर योजना का पैसा दिया और आपने क्या किया, हर चीज पर प्रश्न लगाया, ये हर बात पर राजनीति की, मकान बनने थे गरीब बनने नहीं दिया, 60 और 40 नहीं चलेगा। राजीव जी रुक जाइए रामचार तिवारी जी, आप बताइए, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? जब हमको नहीं आ रहा, दर्शकों को क्या समझ में आएगा? रामचार तिवारी जी प्लीज। देखिए, इतने गंभीर विषय है, अब समय आ गया है कि अपनी जो नीति है, अपनी सोच है, उसको आप जनता को बता पाइए। आप बार बार ये आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, ये दोनों, कि हम सरकार अच्छा चलाएंगे, वो बोलता है हम सरकार अच्छा चलाएंगे, तो अच्छी योजना लाइए ना। अभी वक्त है, आपके घोषणा पत्र में अच्छी योजना लाइए, इस राज्य को जहां आर्थिक संसाधन मजबूत है, खनिज संपदाओं से भरा राज्य है, इस राज्य को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए अभी समय है, ये बहुत बहुमूल्य समय है। इसके लिए आप रोडमैप तैयार करके आप जनता को बताइए, जनता खुद आपको वोट देने आएगी, घर से निकल कर वोट देगी। तो आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, प्रबंधन की राजनीति या दूसरे तरीके की राजनीति में उतर रहे हैं, घोषणा पत्र इतना मजबूत चीज है, तो उसको आप या तो रेवड़ी बांटने में ध्यान देंगे या इस तरह के घोषणा पत्र बनाएंगे जो जनता को वादे नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप में समय खराब करेंगे। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो राजनीति में रुकनी चाहिए। अभी तो चुनाव आयोग ने कहा है, अच्छा तिवारी जी, जो बीजेपी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है, तो खराब अगर है आपकी अगर खराब है आर्थिक स्थिति, तो आप बड़ी बड़ी घोषणाएं मत करिए, ताकि आप वादे नहीं कर पाएंगे। घोषणा पत्र तो बना लेते हैं, बाद में उसका पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आर्थिक स्थिति वैसी है नहीं। उसका एक बड़ा उदाहरण है शराबबंदी, कोई भी सरकार शराबबंदी करने से बचती है क्योंकि शराब से आय बहुत ज्यादा होता है सरकार को, जी सारे विकास काम के ढप होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में नेता जो है शराबों पे बात तो बहुत करते हैं, शराबबंदी बंद करने का, इस दिशा में ठोस कदम उठाने का बड़ी इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है नेताओं में, वो एक गलत संदेश जाता है उससे कि नेता चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में उसको पूरा नहीं करते। देखिए, तो ये संदेश ना जाए, ये संदेश जाए कि हम चुनाव में जो वादे किए हैं, धान में किसानों को देंगे इतना पैसा, उसको पूरा करिए, पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी स्थिति खराब हो रही है, ठीक है, जनता में आप कैसे जाएंगे सामने, खराब होती है। सवाल तिवारी जी, घोषणा पत्र के बनाने के समय है, जनता के बीच घूम रहा है जी, बिल्कुल। नितिन जी क्या कुछ कहेंगे घोषणा पत्र को लेकर, ही तिवारी जी ने कहा है। जी बिल्कुल, जनता का जन आशीर्वाद जिस प्रकार 2018 में जनता ने भरोसा किया, इस प्रदेश के युवा ने, किसान ने, बहनों ने, माताओं ने, महिलाओं ने, उसी प्रकार फिर से हम एक नए जन घोषणा पत्र के साथ पुराने वादे जो फिर से झूठ का एक पुलिंदा खड़ा करेंगे। राजीव जी, आठ की हांडी बार बार आवाज़ पकती है, काम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जन घोषणा पत्र जो बनेगा वो जनता के आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगा और निश्चित तौर पर हर वर्ग का ध्यान भी रखा जाएगा और हर वर्ग से बात भी की जाएगी। हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात सुनते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जन की बात सुनेंगे, छत्तीस वादों का क्या हुआ, कितने वादे धरातल पर हुए, सरकार होर्डिंग बोर्ड में वादे करते हैं, सरकार बनाइए, कोई वादे नहीं हुए, एकदम झूठ है। अरे कितने कागज दिखाओगे, आप मुझे टाइम भावनी होते हैं, कहाँ गई शराबबंदी, कहाँ गया नगर निगम का टैक्स, कहाँ गया रेडी टू ईट का भ्रष्टाचार, 5,000 का रेत 17,000 में बिकना है, रेत का भ्रष्टाचार, कोयले का भ्रष्टाचार, सड़क का भ्रष्टाचार, आप आइए सिविल लाइन जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं, सड़कें नहीं है, गड्ढा है, रायपुर को गड्ढापुर बना दिया,
रेडी टू ईट जैसे मामले में चार साल में छोटे बच्चों के निवाले में डकैती 15 साल में डकैती और भ्रष्टाचार अपराधगढ़ की सरकार है। सरकार को एक मिनट रहने का अधिकार नहीं है। ये सरकार की विदाई तय हो चुकी है। और विदाई में राजीव जी आप कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है विकास कार्य? कुछ भी नहीं किया, केवल झूठ बोला, नाटक किया, सेवकों का लाभ लिया, जनता द्रोहित रही कर रही है, घर में भी बिजली का देख रही है, आया भ्रष्टाचार, फूल लगा भ्रष्टाचार, महादेव का भ्रष्टाचार, धुआं सट्टा का व्यापार, अपराधीकरण का व्यापार, इन्होंने अपराधीकरण का छान घर बना दिया। सूर्य श्यामला ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन भंसाली जी आपका बहुत शुक्रिया, राजीव चक्रवर्ती जी आपका बहुत शुक्रिया और राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोनों ही पार्टी जो है वो घोषणा पत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि दोनों पार्टी घोषणा पत्र में जो जनता है वो किस पार्टी के घोषणा पत्र पर विश्वास करती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।